हुआ है 65। वो बोला भाई हमारे साफ सफाई हो रहा है भाई ट्रेन। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 02246 यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। ट्रेन उधर खड़ा है भाई, अभी ओपन नहीं किया, डोर वगैरह भी ओपन नहीं किया, स्टैंडिंग चाबी लगाया गया है। तो अब बात करेंगे इस ट्रेन के बारे में। ट्रेन में हफ्ते में 5 दिन चलती है, सुबह बुधवार और शनिवार छोड़कर। तो फिलहाल मैं इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ रेणुगुंटा स्टेशन तक। डिलेवन का 11 बजे डिपार्चर टाइम है। तो अभी बस 353 किलोमीटर जर्नी को इस ट्रेन समय लेती है 5 घंटे 45 मिनट। तो देखेंगे कब तक हो जाए। मैं जर्नी करने वाला हूँ स्लीपर क्लास में, S1 कोच है। तो अंदर जाने के लिए अभी डोर वगैरह ओपन ही नहीं किया। मैं आया था भाई लोकोमोटिव दिखाने, अभी लोकोमोटिव लगाया नहीं है। मेरा कोच है लास्ट S1, पूरा लास्ट कोच है भाई। उधर से मैं भाग के आया, देख लीजिए अभी लोकोमोटिव नहीं लगा है। यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो दोस्तों हमारा बगल में खड़ी है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसका डिपार्चर है 10:15। तो इससे पहले वो होगा, लेकिन उससे पहले यही पहुँचेगा भाई दुरंतो एक्सप्रेस, जाना भाई। तो फिलहाल लोकोमोटिव आ रहा है उधर, तो मेरा किस्मत में लिखा है। कैप्चर करने के लिए मैं इतना दूर आया, तो चले चलते हैं। तो अभी बात आती है इंटीरियर की, लोअर है यहाँ पर बढ़ते हैं। और इधर दिया गया चार्जिंग सर्किट, ये स्विच, इधर छोटा सा मिलर दिया गया है। और इस तरह अभी सेम चार्जिंग सर्किट, स्विच, लोअर, यहाँ पर तो बुक किया भाई लोअर, हमको मिला अपर बर्थ। तो भाई अपर बर्थ जान दो भाई, हमको क्या, हमको उतरना है रेणुगुंटा जंक्शन। ट्रेन का पहला हाल है। और एक बात आप लोग से शेयर करनी है, ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है। तो अब बात आती है वॉशरूम कंडीशन की, तो देखेंगे। और ये रहा वॉशरूम डिस्पेंसर, पानी हमारा भाई। ये रहा मिरर छोटा सा, और वॉशरूम में आ चुके हैं, सामने मिरर है, बढ़िया लग रहा है भाई। ये सिंक है, पानी आ रहा है। अभी तो वॉशरूम का कंडीशन ठीक है भाई, तो देखेंगे जाते जाते क्या होगा नहीं होगा। चुके गार्ड साहब के रूम में, तो गार्ड साहब के रूम आप लोगों को दिखा देता हूँ। परमिशन है कि नहीं पता नहीं, ओपन तो मैं आ गया। कैसा रहेगा गार्ड साहब का रूम? तो बगल में कोई ट्रेन जा रहा है भाई, यशवंतपुर आसान KGM का लोकोमोटिव लगा है। डीजल लोकोमोटिव है, डीजल भरा जा रहा है, मजबूर डीजल भरा जा रहा है। बहुत गर्मी लग रहा था भाई, अभी जाके फैन वगैरह ऑन हुआ है, लाइट वगैरह ऑन हुआ है, फैन वगैरह ऑन हुआ है, अब थोड़ा सुकून मिल रहा है भाई। तो अभी मैं आया भाई सैनिटाइजर खरीदने के लिए, ये सख्त ज़रूरत है सैनिटाइजर। उसमें लिखा हुआ है 65, वो बोला भाई हमारे पास 70 रुपये लिए, नेस्केट दिए। अभी एक चाय लिया भाई, बिल्कुल वेस्ट है, बकवास चाय। चाय लिया था, इतना बकवास चाहिए भाई, 10 रुपये वेस्ट, बकवास। एग्जैक्टली राइट टाइम 11 बजे भाई, डिपार्चर फ्रॉम यशवंतपुर जंक्शन।
वहाँ हमको दिखा दे रहा लोकोमोटिव हमारा WAP-7, बहुत सुंदर सा लग रहा भाई हमारा ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस। क्या लग रहा है भाई, सुंदर सा कारों में ट्रेन जब भी ऐसा घूमता है ना भाई, एक नंबर लगता है, मस्त है। 360 डिग्री कर्व है, ट्रेन धीरे धीरे चल रहा है भाई। अभी पकड़ा है भाई असली रफ्तार, स्पीड अभी पकड़ा है। कृष्णराजपुरम लखनऊ मैंगलोर सेंट्रल बगल में खड़ी है, और जस्ट बगल में खड़ी है लखनऊ मैंगलोर। रफ्तार से स्किप किया रंतो एक्सप्रेस में भाई था, अभी नेक्स्ट आने वाली है व्हाइट फील्ड, उधर भी नॉन स्टॉप है, अगर पे उधर भी नॉन स्टॉप है, तो नॉन स्टॉप है भाई साहब, स्पीड एक नंबर। साफ सफाई हो रहा है भाई ट्रेन, अभी हम लिया है मिस्टी लाइन, थोड़ा ट्राई करके देखेंगे भाई कैसा है ट्रेन। यह पड़ा मेरे को 25 रुपये टेस्ट करके बताया। तो माफ कर दीजिए, बंगाल पेट जंक्शन स्किप हो गया भाई, थोड़ा टी टी साहब ने आ गया था टिकट दिखाने में, हुकाम की घाट कुपम की गार्ड भी मिस हो गया भाई, चार्जिंग प्रॉब्लम आ गया मोबाइल। अभी नेक्स्ट कौन सा स्टेशन पता नहीं, ये जो आप हिल्स देख रहे हैं ना, ये इलीगिरी हिल्स है, बहुत बड़ी।
बढ़िया लग रहा है भाई, गिली गिली खूबसूरत सा नीली ग्रील। क्या नजारा है भाई, जोलारपेट जंक्शन। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोलारपेट जंक्शन। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोलारपेट जंक्शन स्टेशन कोड है JTP। स्टॉपेज नहीं है फिर भी ट्रेन को रुका। तो दोस्तों एक मिनट रुकने के बाद अभी हमारा दुरंतो एक्सप्रेस जोलारपेट जंक्शन से निकल रही है। ऐसा ही स्टेशन में दुरंतो एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं है फिर भी रुका गया है, पता नहीं। हमारा गार्ड साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया भाई। आराम से सुपरवाइजर ऑफ क्लीनिंग स्टाफ प्लीज कॉन्टेक्ट टीसी ऑफिस इमीडिएटली। सुपरवाइजर ऑफ क्लीनिंग स्टाफ प्लीज कॉन्टेक्ट टीसी ऑफिस इमीडिएटली। कानपुर शेड का जो बनाया गया है आदमी लोग को पैदल चलने के लिए। तो पर बाइकें लेके जा रहे हैं भाई, देखिए बाइक सभी लेके जा रहे हैं। नारियल पेड़ को देखकर भाई साहब मेरे को नारियल पीने का मन कर आप लोग को इस रोड में पूरा नारियल पेड़ ही नारियल पेड़ है भाई, मेरे को मन कर रहा नारियल पेड़। और सुंदर सा पहाड़ नजारा, क्या खूबसूरत नजारा। अभी हम समोसा एक लिया है, 30 रुपए का थीन दिया।
देखेंगे भाई टेस्ट कैसा है। अब आप 30 रुपये का 3 समोसा बना है, देखेंगे टेस्ट कैसा है भाई। सही है, थोड़ा गर्म कम है। चले खाने के बाद मिलता हूँ। हम लोग पहुंच चुके हैं रेणुगुंटा जंक्शन स्टेशन, बड़े आ रही हूँ प्लेटफॉर्म है, 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ हम लोग पहुँचे हैं 5 मिनट बिफोर पहुँचे भाई। एक नंबर ट्रेन है, पंचवाल्टी के बारे में बता, पंचवाल्टी एक नंबर, क्लीननेस थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगा भाई, क्लीननेस का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और वॉशरूम जैसे मैं आपको पहले दिखाया था तब कैसा था, अभी मैं जाके आया भाई साहब, कोई वॉशरूम गया फ्लश करना भूल ही गया भाई, थोड़ा क्लीननेस का ध्यान देना पड़ेगा भाई। एक नंबर ट्रेन है अभी यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये दुरंतु से पहले 10:15 से निकली थी ना भाई, तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। तो इधर तक का जर्नी आप लोग को कैसा लगा भाई, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले व्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद।